हल्का ट्रांसफार्मर घरेलू डोमेस्टिक उपकरण इन सभी चीज़ों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक 63 MVA का टैप चेंजर है जिसपे 63 MVA लिखा हुआ है, 40 में पॉइंटेड है। इसको सबसे पहले इसका प्रयोग करने के लिए हमें एक लैंप चाहिए, टैप चेंजर चाहिए और एक मल्टीमीटर चाहिए। हमारे पास सबसे पहले इसकी कंटिन्यू टेस्ट करते हैं कि हमारा ये टैप चेंजर सही है या नहीं। तो मल्टीमीटर को अपन कंटिन्यू टेस्ट करते हैं, इसकी चारों राउंडों में कंटिन्यू टेस्ट करेंगे। ये तीसरे वाले पे रोंग ऑन है तो इसके तीसरे वाले पे कंटिन्यू आना चाहिए तो हमारा टैप चेंजर सही है, अन्यथा ये टैप चेंजर हमारा सर पूरों पर चेंज करके चेक करेंगे ना हो जाएगा। ये देखो 3 पे हमारी कंटिन्यू आ रही है, इसका मतलब ये टैप चेंजर सही है। और इसके बाद इसकी अपन हाँ 0 ही आएगा कंटिन्यू जो है। उसके बाद अपन सभी पे ओपन टेस्ट शॉर्ट टेस्ट करेंगे, इसमें शॉर्ट नहीं है, इस पे भी शॉर्ट नहीं है और इस वाले पर भी शॉर्ट नहीं है, चारों पे शॉर्ट नहीं है। अगर कहीं शॉर्ट होता सर तो क्या आता? ये इसको जो है इसकी जो पत्ती है वो सब पे इस पे ले जाती है, यहाँ से इनपुट आती है। वैसे ये यहाँ भी लगा दो चाहे कॉमन ले जाता है, एक इसमें से कॉमन ये सब नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये सही है। उसके बाद हम लैंप की कंटिन्यू टेस्ट करते हैं कि लैंप हमारा सही है या चीटी ग्रस्त है। इस लैंप को निकाल के इस लैम्प की कंटिन्यू टेस्ट करते हैं, लैम्प सही है या इसका सर्किट हिसाब तो नहीं कहीं से। ये अपना लैम्प की कंटिन्यू टेस्ट करते हैं, ये कंटिन्यू बता रहा है इसका मतलब ये सही है। अब आप एक ही चेक करते हैं अपन सप्लाई, तो सप्लाई को अपन 200 750 पड़ेंगे आपको सिंगल फेज 200 250 मतलब हमारे सारे उपकरण सही है। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं, इसको हम एक लैंप को जला चालू करेंगे, इससे इसे हम इसके कॉमन टर्मिनल किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये कॉमन टर्मिनल सर 4 पे नहीं कर सकते इनपुट? बिल्कुल 4 पे इनपुट कर सकते हैं तो इससे आउटपुट आएगी, आप इससे इलेक्ट्रिकल्स और कर सकते हो। अगर 4 अलग अलग फेज दे दोगे तो इससे आउटपुट ले जाओगे, जो आपको फेस चेंज करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे माप के आना इसको